ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से पहाड़ों में पितृ देवताओं का घड़ियावा लगाया जाता है। अभी रात का समय हो रहा है और हम जा रहे हैं यहाँ गांव से ऊपर की ओर पार्यामांद्रा की तरफ, और अभी हम हैं 4-5 लोग। तो फिलहाल आज आपको एक कार्यक्रम दिखाएंगे, घड़ियाले का कार्यक्रम। और ये देखिए रात को कुछ ऐसा होता है नज़ारा गांव का। ये है हमारा गांव और अभी कम से कम 9 बज रही हैं रात की, और यहाँ सड़क से होते हुए जाएंगे अभी। अभी हम पहुंच चुके हैं इस जगह पे जहाँ पे कि ये घड़ियावे का कार्यक्रम चल रहा है। और घड़ियावे का मतलब होता है जो पितृ देवता होते हैं उनको नचाया जाना, उनको बुलाया जाना। एक हिसाब से पितृ देवता जो मरे हुए लोग होते हैं ना, उनको बुलाया जाता है। तो ये प्रथा काफ़ी समय पहले से पहाड़ों में चलती आ रही है, और कई लोग अभी भी हमारे आसपास आजकल कई घड़ियाले लग रहे हैं, क्योंकि जून के टाइम पे मैंने आपको बताया है कि काफ़ी लोग घर आते हैं, तो लोगों के पास समय भी होता है, बच्चों की छुट्टियां भी पड़ी होती हैं, तो इसलिए लोग पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम को करते हैं। अभी हम आ रहे हैं पार्यामांद्रा में। अब इन चीज़ों को दिखाने में काफ़ी लोग क्या है कि मुझे कमेंट किया करते हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि आप ऐसी चीज़ें मत दिखाया करो। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मैं इन चीज़ों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे गांव की तरफ से ख़त्म हो रही हैं, ऊपर से गाँव धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। अभी हम जिस जगह पर हैं, इस जगह का नाम है पार्यामांद्रा, यानी कि ये मांद्रा गांव ही है, हमारा गांव ही है। हमारा जो नीचे वाला गांव है वहां तो अभी काफ़ी लोग हैं, लेकिन ये हमारा ऊपर वाला गांव है, यहां भी कुछ लोग रहते हैं, लेकिन हैं दोनों मांद्रा। अभी आपको यहां पे जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये भी भाई यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि पार्यामांद्रा अब पूरा खाली हो चुका है। अब यहाँ भाई अदर टाइम पर आप अगर देखो, आजकल तो काफ़ी कार्यक्रम हैं गाँव में तो इसलिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, नहीं तो अदर टाइम पे भाई यहाँ 2 से 3, कभी 3 से 4 और कभी कभी तो एक भी आदमी नहीं रहता है। जो भी रहते हैं 2-4 बुजुर्ग लोग, वो कभी कभी इधर उधर चले जाते हैं, यानी कि शहरों में अपने बच्चों के पास, क्योंकि लोग सारे अब शहरों में जा चुके हैं, पहाड़ों में रोज़गार था नहीं, लोगों की मजबूरी थी शहर में जाना। तो मैं इसीलिए इन चीज़ों को दिखाता हूँ क्योंकि ये चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं हमारे यहाँ से। और क्योंकि जब कुछ साल बाद लोग घर ही नहीं आएंगे तो भाई ये चीज़ें भी नहीं होंगी, क्योंकि ये जो घड़ियावा होता है ये सिर्फ अपने घर में ही लगा सकते हैं, अपने चौक में ही लगा सकते हैं, क्योंकि जो पितृ देवता होता है ना वो हमेशा यही कहता है कि जो घड़ियावा लगता है वो मेरे घर में ही लगेगा, मेरे आंगन में ही लगेगा। तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि रोज़ घड़ियावा लगाना है। जैसे आप कबूल करें कि हम इतने महीने में लगा दें तो पितृ देवता उतने में राजी हो जाते हैं। और जितने भी गढ़वाली समझने वाले लोग हैं अब ध्यान से सुनिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं।
अभी आप देख सकते हैं जो इन्होंने हाथ पे पकड़ा हुआ है ना, ये जिससे धुआं निकल रहा है, इसे कहते हैं हमारे यहाँ धुपाना। तो ये धुपाना क्या होता है कि हर पूजन कार्य में प्रयोग किया जाता है। जब हमारे यहाँ क्षेत्रपाल देवता को गढ़ाया जाता है या किसी देवता को गढ़ाया जाता है तो आगे धूप या धुपाना रखा जाता है। धुपाने का मतलब होता है कि इसमें धूप जो सुगंधित चीज़ है उसे जलाई जाती है। अब उसमें कई चीज़ें लाई जाती हैं, वैसे आसपास पत्तियाँ होती हैं कुछ, उनको भी लाया जाता है, उसे घी में मिलाया जाता है। उसके बाद जो चूल्हे से अंगार निकाले जाते हैं और इसके अंदर रखे जाते हैं, ये जो धुपाना बनाया होता है इसके अंदर रखा जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है। उसके बाद देवताओं को घुमाने के लिए, पितृ देवता तो खैर हाथ पे घुमाते हैं, तो पितृ देवता इनको हाथ पे इसलिए घुमाते हैं क्योंकि ये सभी देवताओं को धुपाना करते हैं। अब आप सुनेंगे तो अलग अलग देवताओं के नाम लेते हैं, जैसे क्षेत्रपाल देवता हो गया, क्योंकि सबसे पहले क्षेत्रपाल देवता का ही नाम आता है क्योंकि वो क्षेत्र के पालक होते हैं, यानी कि इस क्षेत्र के राजा, तो क्षेत्रपाल देवता हो गए। अलग अलग देवता, जैसे हमारे यहाँ डांडा का भैरव देवता है, उनका नाम लिया जाता है। हुणेश्वर नाग देवता है जो कि हमारे ग्राम देवता हैं, तो उनका नाम लिया जाता है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग देवताओं के, अपने कुल देवताओं के नाम ये पितृ देवता लेते हैं, यानी कि ये उस धुपाने से उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे पितृ देवता बीच बीच में धुपाना घुमाते हैं अन्य देवताओं के लिए। ऐसा नहीं है कि सिंपल यार पितृ देवताओं को नचा दिया बस हो गया। कुछ क्या होता है, पितृ देवताओं के साथ कुछ बड़े बड़े जो देवता होते हैं ना, जैसे भैरव देवता हो गया, घड़ियाल देवता हो गया, हुणेश्वर नाग देवता हो गया, ऐसे ही कई देवता, नरसिंह देवता हो गया, अलग अलग जो बड़े बड़े देवता हैं यानी कि जिनकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वो ज़रूर आते हैं क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो ऐसी चीज़ों में बाधा डालने के लिए आ जाती हैं। तो ऐसी जगहों की रक्षा करने के लिए उस समय फिर कुछ बड़े बड़े देवता होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो चाचा जी हैं जिन्होंने ये भगवा कलर का कुर्ता पहना हुआ, थोड़ा पीला पीला सा कुर्ता पहना हुआ है, तो इन पे आता है सिधुआ रमोला। तो सिधुआ रमोला एक देवता होते हैं, वो भी वैसे पितृ देवता में ही आते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ उनकी हैं। तो हमारे गांव में काफ़ी समय सिधुआ रमोला देवता और लाल सिंह जो देवता हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं ऐसे पितृ देवताओं के जागर के टाइम पे, ऐसे घटियाओं के टाइम पे। तो कुछ ऐसे बड़े देवता भी होते हैं जो पितृ देवताओं के साथ जिनका आना ज़रूरी होता है। अभी देखिए देवता ने बोला है कि अच्छा फिर बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाने का मतलब होता है कि आज का जो ये घड़ियावा है इसको समाप्त करने का समय हो चुका है, मतलब इस वाले बाजे को, ये पहला बाजा है। वैसे इस घड़ियावे में होने वाले हैं 3 बाजे, तो 2 वीडियो आने वाली हैं। पहली वीडियो तो ये है और दूसरी वीडियो में दूसरे दिन का, क्योंकि दोनों कार्यक्रम एक ही साथ दिखाऊँगा, दूसरा और लास्ट वाला जो घड़ियावा है वो दोनों एक साथ ही दिखाऊँगा। बाकी मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी इस चीज़ से कि कैसे यहाँ पितृ देवताओं के जो घड़ियावे होते हैं, जो पितृ देवताओं के जागर होते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो अब इसके बाद देवता बाहर चले जाएंगे, यानी कि जो इंसान हैं उनके शरीर से जो पितृ देवता हैं वो चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं बाहर चला जाना। तो ये वाला कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है और मिलेंगे आपको कल एक और इसी प्रकार की वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।